इंदौर जिले के देपालपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिर में जन सैलाब उमड़ा। देपालपुर श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर नगर के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। देपालपुर नगर के प्रमुख मंदिर श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर, तहसील परिसर में मनोकामना कामेश्वर महादेव मंदिर, टॉकीज गली देपालपुर मंगलेश्वर महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर सहित नगर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। वहीं मंदिरों में भी आकर्षक सजावट की गई, जिसे देखने के लिए भक्तों को लंबी लंबी लाइन से गुजरना पड़ा। नगर के श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में जय महाकालेश्वर की प्रतिमा से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र थी। वहीं मनोकामेश्वर महादेव मंदिर पर श्री बगलामुखी माता की प्रतिमा बनाई गई, जिसे देखने के लिए दर्शकों में ललक उत्पन्न हो गई। सभी मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना कर दर्शन का लाभ लिया। वहीं जगह जगह बहुत प्रसादी का वितरण भी किया गया। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। हमने बाबा का श्रृंगार किया और माँ बगलामुखी का धारण किया है भोलेनाथ, और बहुत जनसंख्या लोग बाग दर्शक आए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय श्री आप सभी को श्रावण मास के सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तगण घर में ऐश्वर्य आयु की वृद्धि हो गई। आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है और आज बहुत बड़ा योग है, क्योंकि श्रावण मास में द्वितीय बार सोम प्रदोष आज आया है और यहाँ पर चंद्रमौलेश्वर महादेव का आज दिव्य महाकाल रूप दिया गया और भक्तों द्वारा यहाँ पर अनेक प्रकार के यजमान यहाँ पर आते हैं। कोई धान से, कोई अपने मेवा से भगवान का श्रृंगार कराते हैं। उसी प्रकार से आज भी यजमानों द्वारा भांग का श्रृंगार किया गया, और ऐसा कहते हैं जो भांग का श्रृंगार करवाते हैं विजयन धनु कपरिनो विजया चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से हमारी सदा विजय की प्राप्ति होती है। और प्रातःकाल से अभी तक यहां पर 7 जोड़ों ने अभिषेक किया भगवान का, और अभी भी यहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। और इसी प्रकार से आज यहाँ पर चतुर्थ श्रावण का यहाँ पूर्ण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।